वेस्ट ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा ठीक है वॉट इज ई वेस्ट द वेस्ट ड्यू टू एंड ऑफ लाइफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एग्जाम्पल है कंप्यूटर मोबाइल सबका ई वेस्ट बनता है कि नहीं बनता है और बहुत भयंकर बन रहा है हमारे यहां ठीक है आज की तारीख में इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट है ये हमारा ठीक है और अराउंड फिफ्टी मिलियन टन्स 2020 में ये क्रॉस कर गया कितना 2020 में कितना हो गया 50 मिलियन टन्स अखबार पढ़िएगा मिल जाएगा ये 50 मिलियन टन्स ठीक है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इज अमंग टॉप फाइव इंडिया इज अमंग्स टॉप फाइव ई वेस्ट प्रोड्यूसर कहेंगे हैं कचरा उत्पादक हैं ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा कि हम टॉप फाइव में हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं दो मिलियन टन हमारे यहां से हो रहा है कितना हो रहा है टू मिलियन टन अब आप सोचो 20 लाख टन है और एक टन में कितना होता है कितने किलो होता है एक टन में एक हजार किलो होता है ना ठीक है अब देखो हमारे यहां जो ई वेस्ट है वो इनफॉर्मल सेक्टर देख रहा है कौन देख रहा है इंडिया में ई वेस्ट इज मैनेज्ड बाई इनफॉर्मल सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कहीं पर इसमें नहीं दिख रही है ज्यादा कचरे वाला आया घर से कचरा निकालो और लोग अपना कचरा उस गाड़ी में डाल देते हैं गया वो कचरा ठीक है ई वेस्ट में आप जरा देखेंगे तो 90 परसेंट तो यही प्रोसेस कर रहा है और ई वेस्ट में क्या क्या नहीं होता है ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाती है जैसे रेयर अर्थ मेटल्स क्या क्या होता है इसमें रेयर अर्थ मेटल्स यहां तक कि इसमें गोल्ड और सिल्वर भी होता है फेरस नॉन फेरस मेटल्स होते हैं प्लास्टिक है वुड है ग्लास है ठीक है गोल्ड है सिल्वर है टाइटेनियम है मतलब प्रेशियस मेटल्स और इसके अलावा नॉन प्रेशियस जो जो चीजें हैं वो है ही है ठीक है और इसलिए वी नीड स्ट्रॉग ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या चाहिए हमको स्ट्रॉन्ग ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमको चाहिए ठीक है और क्यों चाहिए हमको ताकि हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सके जो हमारे यूजेबल पार्ट है जैसे कॉपर आयरन कॉपर आयरन टिल निकल जिंक कॉपर आयरन टिन, निकल जिंक आपको नहीं लगता ये सब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है सिल्वर गोल्ड पैलेडियम सिल्वर गोल्ड पैलेडियम जितने भी आप देखते हो सर्किट बोर्ड हमारे उसमें सब मिलता है मिलता कि है नहीं मिलता है बहुत महंगा इसीलिए होता हो सबसे ज्यादा ठीक है इरीडियम प्लैटिनम ऑस्मियम इसको हम बोलते हैं पीजीएम क्या बोलते हैं पीजीएम जितने ये महंगे वाले हैं इनको हम पीजीएम बोलते हैं प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स बोलते हैं क्या बोलते हैं प्लैटिनम, ग्रुप मेटल्स अब आपका प्री में क्वेश्चन बनता है कि प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स में कौन कौन से आते हैं तो उसके नाम लिख लो रूथेनियम आर यू टी एच ई M) रूथेनियम हम आराम से बोल रहे हैं आप बिल्कुल बिना चिंता के लिखिएगा रूथेनियम पढ़ते समय ये मिस होता है पहला दूसरा है रोडियम आरएचओ डीआईयूएम रोडियम तीसरा है पैलेडियम ये लिखा है ये पैलेडियम पी एडबल एल ए डीआईयूएम पैलेडियम ऑस्मियम ओ एस एम आई यूएम ऑस्मियम इीडियम और प्लैटिनम और प्लैटिनम छह नाम मिल गए आपको ठीक है आर स्क्वायर पीओ आई पी आर स्क्वायर पी ओ आई पी या आप लिख सकते हो आर स्क्वायर पी स्क्वायर ओ आई लिख सकते हो ना तो आपके आंखों के सामने यदि निकल आए तो आप ढूंढ लोगे ना ओ फॉर ऑस्मियम मिल जाएगा मिल जाएगा पी फॉर पैलेडियम मिल जाएगा मिल जाएगा पी फॉर तो तुम्हें याद ही है आर फॉर रोडियम और रुथेनियम हो जाएगा तो ये अपना याद रखिएगा ठीक है अब यदि इसका डिस्पोजल खराब हो जाए तो आप गौर करिए हार्मफुल टू एनवायरनमेंट <laughs> 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 यही डर लगता कहीं पूरा ही न मिट जाए एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स हार्मफुल टू एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ये कौन कौन सी चीजें इसमें हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक है एक तो लेड है दूसरा कैडमियम है क्रोमियम है ब्रोमियम है पीसीबीज हैं, पीसीबीज ये सब वर्ड्स आप लिखोगे पीसीबीज पीसीबी PCB का फुल फॉर्म होता है पॉलीक्लोरिनेटेड पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स बाईफिनाइल्स ठीक है और पीसीबी ऐसी कहीं जगह नहीं जहां नहीं जाए स्वायल वाटर फूड चेन्स मतलब हम खाएंगे और बीमार पड़ेंगे निपटेंगे भी ठीक है अब यदि तुमसे पूछा जाए कि राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट क्यों क्वेश्चन यही आएगा ई वेस्ट मैनेजमेंट भी क्वेश्चन आएगा ई e वेस्ट क्या है ये तुमसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि भैया ये बताओ ये आर स्क्वायर पी स्क्वायर ओ आई क्या है जिसको हम पीजीएम बोल रहे हैं वॉट इज प्लेटनम ग्रुप मेटल्स ठीक है पूछेंगे ना फिर तो वो पूछेंगे व्हाट इज पीसीबी, पूछेंगे आपसे ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि नहीं होंगे ठीक है अब ई वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं, लिख लोगे लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे पहला प्रॉब्लम्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट पहला प्रॉब्लम डोमिनेटेड बाई इनफॉर्मल सेक्टर्स पहला हो गया ठीक है दूसरा ह्यूज कलेक्शन ह्यूज कलेक्शन बट लो रिकवरी कलेक्शन बट लो रिकवरी अटाले वाले के पास इतना अटाला पहुंच जाता है वो सोचता है क्या करें इसका आप तो अटाले वाले को देते सोचते ले जाए मोल भाव करते हो क्या अटाले वाले से कभी आपने किसी कंप्यूटर का बोर्ड उसको दिया होगा ऐसे ले जा तो वो मालूम क्या कहता है हम भाव क्या करेंगे इसका दीदी हमको क्या जरूरत हम नहीं अरे रख यार तू तो इसको सारा दे रहे तो आप कहते हो क्या इसके दस रुपए दे दो हमको तो हाई कलेक्शन है उसके पास उसको भी उसकी वर्थ नहीं पता है क्योंकि वो थोड़ी नहीं कर रहा उसका रिकवरी प्रोसेस उसको नहीं पता है इसमें सोना पड़ा हुआ है उसको नहीं पता है इसमें चांदी है उसको नहीं पता इसमें ऑस्मियम है ईडियम है उसको थोड़ी ना पता है और वो जहां पर छांट करके जाता है वो भी उसको कमी पैसे देता है क्योंकि उनको पता है इसको हमें निकालने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं ठीक है ठीक तीसरी प्रॉब्लम है मेनली अफेक्ट्स द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है कि नहीं है वलरबल सेक्शन के पास सबसे ज्यादा परेशानी है क्यों जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये वाला ये किसको काम पे लगाता है गरीबों को कूड़ा उठाने वाले को आप तो छाट दे जाए अब वो छाट रहा है छाटने में क्या होगा इनहेल होगा तो जो वलरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इट इज अफेक्टेड मोर सबसे ज्यादा परेशानी उसी को हो रही है और यदि वो परेशानी हो रही तो एक्सपोजर उसको हो रहा कि नहीं हो रहा है मेनली अफेक्टेड अफेक्ट द पुअर ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और ये किससे होता है टॉक्सिक एलिमेंट से due to टॉक्सिक एलिमेंट्स लिखते चलना बेटा छोड़ना कुछ नहीं अब तुम्हारे पास तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं कि तुम छोड़ करके इसको कुछ कर लोगे पॉइंट्स है हमारे ये ठीक है देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर्यावरण का क्षरण है डिग्रेडेशन है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ठीक है अब इसमें क्यों हो रहा है नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। नॉन मेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अब जैसे ही ये लिखोगे तो तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देना चाहिए कि एग्जाम्पलर को समझ में आ जाए एग्जाम्पलर को समझ में आए क्या लिखोगे हरिओम क्या लिखोगे नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस हैं क्यों हैं बर्निंग ऑफ केबल्स टू एक्सट्रैक्ट कॉपर क्या किया आपने भाई साहब आप ले जाकर के जिसमें उस उसमें प्लास्टिक शीट पॉलिथलीन शीट उसमें रहता है वो शीत रहती है उसकी उसको ले जाकर जला देते हो मोहल्ले में जलता हुआ हो, देखा होगा तुमने यदि आप किसी झुग्गी झोपड़ी के आसपास से गुजरोगे तो आपको महक आती है क्या जल रहा है वो प्लास्टिक कचरा जल रहा है क्यों निकाल रहे हैं क्यों इससे कॉपर निकाल आएगा किसको सांस की परेशानी हो रही है किसको कैंसर होगा इट इज कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक एक वर्ड है उसको तुम लोग जो छोटे बच्चे हैं वो ध्यान रखें जो बड़े बच्चे हैं उनको तो पता ही है सॉरी यही है कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक मतलब होता है जिससे कैंसर होता है कैंसर कॉजिंग उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक ठीक है क्लियर इसके अलावा कहीं पर भी छोड़ देते हैं उसको कचरा है ना कहीं पर भी छोड़ दिया रख दिया तो क्या होगा उसमें जो डिजॉल्वेबल मैटर्स होते हैं दे लीच लीचिंग ऑफ डिजॉल्वेबल मैटर मटेरियल, जो घुल जाएगा उसको छोड़ देते हैं वहीं घुलेगा नीचे जाएगा पानी में जाएगा वाटर कंटेमिनेशन होगा और ये किस चीज का मैटर होता है हैवी मेटल्स का होता है केमिकल्स का होगा अभी बताया ना पीसीबीज पॉलीक्लोरिनेटेड याद आ गया याद आ गया तो ये जो हो रहा है ये वहां पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो जब पानी पिएगी तो क्या होगा उसका पेट खराब होगा गुर्दा खराब होगा मतलब ऐसी कौन सी बॉडी की बीमारी जो नहीं होगी ठीक है ठीक है कुछ चीजें डिफिकल्ट टू साइकिल होती है उसमें तो ये इसकी परेशानी है है कि नहीं है इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या है लैक ऑफ एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर

यदि आप नहीं लिख पाओ हाथ उठा के तुरंत पूछ लेना हम दो बार नहीं दस बार बताएंगे आपको लेकिन लिखना पूरा है छोड़ना कुछ नहीं है वी नीड इट ठीक है कहीं पर भी छूटे तो ये मत कहना हमको स्पेलिंग नहीं पता थी हमको इसकी मीनिंग नहीं समझ में आई आपको जहां जरूरत हो हाथ उठाओ पूछो और मैं छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चों को भी कह रहा हूं ठीक है क्लियर लैक ऑफ साउंड टेक्नोलॉजी साउंड मतलब मजबूत लैक ऑफ साउंड टेक्नोलॉजी ठीक है बात समझ में आ गई सेलिंग टू rag पिकर्स एंड कलेक्टर्स हम करते ही नहीं करते कचरा बीनने वाले कचरा उठाने वाले हम उन्हीं कहते ये ले लो यार दस रुपया दे दो मतलब हम कितने लालची हैं हम बेचते हैं पिकर्स को इनफॉर्मल बायर्स को फॉर क्विक मनी है कि नहीं है तुरंत ही पैसा मिल जाएगा बस लाओ यार सौ रुपया दे दो साठ रुपया दे दो पचास रुपया दे दो ठीक है देन इससे क्या होता है हमने इनको बेचा तो इससे हुआ क्या द रेगुलर फॉर्मल ई वेस्ट कलेक्टर्स आर डिप्रीव्ड ऑफ रेगुलर सप्लाई है कि नहीं है मान लीजिए हम कचरा खरीदने वाली दुकान खोल करके बड़ी सी और साइकिलिंग रिसाइकिलिंग करने के लिए बैठे हुए हैं हमारे पास कचरा वाला आता ही नहीं यार और हमारे कोई ऐसी सिस्टम हमने नहीं बना रखा है जिस सिस्टम में हम ये देखें कि उसको खरीदने वाला कौन कौन बेच रहा है हमारे पास आएगा तो ऐसे ही तो हमको या तो सिस्टम हम डेवलप करें कि हर मोहल्ले में हम एक दुकान खोल दें यहां पर कचरा उचित मूल्य पर लिया जाता है <laughs> उचित मूल्य के कचरे की दुकान वहां कलेक्शन हो और वहां से आपके पास सप्लाई पहुंचे तो आप अच्छा काम कर सकते लेकिन है नहीं देन नेक्स्ट मेन पॉइंट हाई कॉस्ट ऑफ रीसाइक्लिंग सेंटर रीसाइक्लिंग सेंटर में हमारा पैसा बहुत लग रहा है तो हम सोचते हैं तो कचरा एक तो प्रोसेस करे दिन भर और उसमें पैसा बहुत लग जाएगा क्यों क्योंकि एडवांस रिसाइक्लिंग जो पैसा है जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है कि कचरा डाला खट बायफरकेट सेग्रीगेट किया उसको निकाला एक से लोहा एक से ये, ये सब निकाल करके वहां एक जगह लोहा जमा हो रहा है कॉपर जमा हो रहा है रहा। ये दी फैसिलिटी ले तो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है और फायदा कुछ नहीं होने वाला है तो लगेगा तो भाई तो बेसिकली इन इंडिया लिमिटेड टू प्री प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग लिमिटेड टू प्री प्रोसेसिंग हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं उसको बाहर भेज देते मजे कौन ले रहा है बाहर वाले क्यों अच्छा प्रोसेसिंग करके वो सब निकाल लेते हैं ठीक है अब हमारी सरकार ने कुछ नियम कानून भी बनाए होंगे तो वो कानून जानना चाहिए ये तो आपने प्रॉब्लम्स लिख दिया गवर्नमेंट एफर्ट्स गवर्नमेंट एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स ठीक है इसमें एक हमने रूल बनाया था ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 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 बना था 2011 में और 2016 में इसका एक अमेंडमेंट भी हुआ ठीक है क्लियर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इसको बोलते हैं वेस्ट इसमें हैंडलिंग हट गया है 2016 वाले में सिर्फ मैनेजमेंट ही ध्यान रखिएगा ठीक है <laughs> और बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड ई वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड ई वेस्ट को हम आज की तारीख में गवर्नमेंट कह रही है इलेक्ट्रिकल एंड ई वेस्ट को कैरी वी कैन सी इट एज अर्बन माइनिंग अर्बन माइनिंग इसको अर्बन माइनिंग की तरह से देखें इससे हम प्रॉफिट लें ठीक है क्लियर अर्बन माइनिंग अर्बन माइनिंग का मतलब माइनिंग क्या होता है माइनिंग में आप जाकर के किसी खनिज को निकालते हैं तो शहर में हम जाकर के लोगों से घर घर कचरा इकट्ठा करें ई वेस्ट और उसको रिसाइकल करके उससे माइनिंग करें उससे हम निकाल लें तो इससे फायदा होगा ना इसी तरह से कुछ काम और किया गया है जो 2016 का रूल है इसमें एक बड़ी अच्छी बात की गई है वो कहा गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है इसका मतलब क्या है कि जिसने इसको बनाया है ठीक है वही इसका निपटारा करवाए क्योंकि उसको पता है ये बना कैसे है तो दिस इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको हम ई पी आर कहते हैं क्वेश्चन बनेगा

ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ईपीआर की तुम जन्म दिया है तुम्हें इसको दफना जाकर के समझ गया कि नहीं समझ गया क्रैडल टू ग्रेव क्रैडल क्या होता है पालना और ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र तो बनाया तुमने है तो तुम ही इसका निपटारा भी करो तो क्रैडल टू ग्रेव रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है ठीक है क्लियर और हमारे यहां सी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक ग्यारह सौ इक्यावन ईपीआर से कॉन्टैक्ट कर लिया है किसने किया है किसने किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ई किसने किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चलो भाई अब आप तो ये करो ठीक है दिन सरकार ने क्या कहा इसी एक्ट में रूल में बल्कि बूस्टिंग फॉर्मल कलेक्शन बूस्टिंग फॉर्मल कलेक्शन ठीक है बूस्टिंग फॉर्मल रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री फॉर्मल रीसाइकिलिंग कि चलो आओ तुम काम करो हम तुमको पैसा वैसा देंगे ठीक है देन ऑनलाइन मास बैलेंसिंग सिस्टम ऑनलाइन मास बैलेंसिंग सिस्टम ऑनलाइन मास बैलेंसिंग सिस्टम ठीक है ये क्या है टू मॉनिटर ई वेस्ट फ्लो इन इंडिया किसके लिए है टू मॉनिटर E waste flow in India to monitor E waste flow in India to monitor E waste flow in India then conducting a national inventory of E waste नेशनल इन्वेंट्री ऑफ ई वेस्ट नेशनल इन्वेंट्री ऑफ ई वेस्ट ठीक है जहां जहां पर राज्यों में कहा गया कि आप अपने यहां पर बताइए कितना ई e वेस्ट है आप लिखो उसका रेगुलर हमारे पास बताओ ये जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसके पास ये पावर है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसके पास पावर है स्टेट वाले स्टेट वाले को दे करके सेंट्रल भेज दे तो कुल मिलाकर के पूरे देश में हमको इन्वेंट्री पता लग जाए कितनी है ठीक है फिर फैसिलिटेटिंग प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इसको हम पी बोलते हैं आर यू प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाए मान लीजिए ये भी कंप्यूटर बना रहे ये भी बना रहे ये भी बना रहे ये कोई चिप बना रहे ऐसी चिप कोई दूसरे दस लोग बना रहे सौ लोग बना रहे उन सबका एक ऑर्गेनाइजेशन बना दो ना प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट ई पी आर याद आ गया ईपीआर क्राइडल टू ग्रेव वाली स्थिति हमको बनाना एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये ठीक है अब आपका क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया ई e वेस्ट क्या है ई e वेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं ई e वेस्ट से हमको क्या मिल सकता है तो बेसिकली वेस्ट कैन बी यूज एज एन ऑपॉर्चुनिटी इन डिजास्टर मतलब जो डिजास्टर होने वाला है उसको हमने ऑपरचुनिटी बदल दें आपदा में अवसर ऐसा कि नहीं है भाई यदि आज हम समझ जाए तो जितना हमको मिल रहा है उससे हम कितना बढ़िया सब सामान निकाल सकते, निकाल सकते हैं निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं ठीक है तो ये क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर होगी बात आपको